पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ओके, काफी अच्छी एनर्जी लग रही है अभी तक तो मुझे. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में आया है टू ऑफ वॉन्ड्स. मैं आपको बता दूं, आपकी एनर्जी ना मुझे पिछले कुछ वीक से पॉजिटिव ही दिख रही है. सिर्फ पहले की एनर्जीज मैंने आपकी देखी है तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आपके माइंड में चलती रहती थी, लेकिन इस वीक में मुझे ऐसी कोई नेगेटिविटी तो आपके माइंड में चलते हुए नहीं दिख रही है. आप रिसोर्सेज देख रहे हैं. अगर कोई नेगेटिविटी होगी भी ना, तो आपने अब डिसाइड किया कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और भी चीजों पे ध्यान देना है. आप अपनी आईसाइट, आप अपने विजन्स को बहुत ज्यादा वाइड कर रहे हो. कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में. और देखिए, यहाँ पे भी आप अकेले ही हैं, यहाँ भी आप क्वीन की पोजीशन में अकेले ही हैं, यहाँ भी पर्सन खड़ा हुआ है तो अकेला ही है. तो मींस ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि अब आपको मतलब मेंटालिटी आपने ऐसे बना ली है कि अगर आपको अकेले आगे बढ़ना पड़े तो आप बिल्कुल अकेले आगे बढ़ोगे. न्यू बिगनिंग अकेले करना पड़े तो अकेले ही आप न्यू बिगनिंग करोगे. आपको किसी पर्सन की, किसी भी टाइप की सिचुएशन की जरूरत नहीं. अगर नेगेटिव सिचुएशन भी आती है ना, तो आप उसमें पॉजिटिव ढूंढ के आगे बढ़ोगे. ये मुझे आपकी क्वालिटी सबसे अच्छी लग रही है. और देखिए, अगर आप साथ ढूंढते रहते हैं, तो आपके प्रकृति का नियम है या इंसान की जिंदगी में ऐसा होता ही है कि अगर आप किसी का साथ ढूंढे आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में, तो वो कभी नहीं मिलने वाला है ना. और जो भी साथ होते हैं वो एक टाइम के बाद आपको अकेले ही छोड़ के जाने वाले हैं. सीधी सी बात है. तो आपको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको सेल्फ डिसीजन लेने पड़ेंगे, खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, ज्यादा किसी का वेट नहीं करना है. ठीक है, काफी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मुझे लग रही है. और अगर आपकी मेंटालिटी इस टाइप की नहीं है तो बना लीजिए, मैं आपको यही सजेशन दूंगी. अभी भी अगर आप किसी का वेट कर रहे, वैसे तो मुझे लग रहा है इस कार्ड से अभी भी आप अपने पर्सन का वेट ही कर रहे हैं, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन में वो डाल के क्यों ना गए हो आपको, लेकिन आपका ध्यान है तो उन पे ही है, इंतजार आप उन्हीं का कर रहे हो. अच्छी बात है, इंतजार करिए, मैं वेट करने मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप आगे भी तो बढ़िए. स्टक रहने से तो बेटर है ना कि आप आगे की रिसोर्सेज देखिए. आप यहाँ पे अपना कप ऑफर करना चाह रहे हैं अपने पर्सन को, या आप वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन कप आपके पास ऑफर लेके आएंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे. और यहाँ आपके हाथ में वॉन है, मतलब आपने एक पर्सन को, एक थॉट को बहुत ज्यादा पकड़ के रखा है. ठीक है, तो वही कह रही हूँ, कोई बात नहीं, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो वेट करिए. वो तो मैं अभी कार्ड्स निकालूंगी आपके पार्टनर के, तो पता चलेगा कि वो किस एनर्जी में चल रहे हैं. आपके लिए तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करिए. अभी भी आपके माइंड में थॉट्स एकदम नेगेटिव आ जाते हैं, एकदम पॉजिटिव आ जाते हैं. अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई आपके माइंड में, ये नजर आ रहा है मुझे. जरूर आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, जरूर आप कप ऑफर करना चाह रहे हैं, रिसोर्सेज देख रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में अभी भी स्टेबिलिटी की कमी है. देखिए, यहाँ पे जो कार्ड आया है ना, पेज ऑफ कप्स, ये बता रहे कार्ड्स के आपके थॉट्स में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है एकदम से, और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है. पॉजिटिविटी के कंपैरिजन में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं. ठीक है, ये कार्ड यही बता रहे हैं. एस ऑफ कप्स के साथ पता चल रहा है कि आप इस वीक के मिडिल तक मे बी आपके थॉट्स में स्टेबिलिटी आ जाएगी. आप सारी नेगेटिव चीजों को पीछे छोड़ने को तैयार हो जाएंगे. या आप अगर किसी पर्सन का वेट भी कर रहे हैं तो आप बोलोगे इट्स ओके, वेट करना अपनी जगह है, लेकिन आप खुद पे ध्यान देंगे. ये मुझे नजर आ रहा है इस वीक में. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक अथॉरिटेटिव काइंड के भी पर्सन बनने वाले हो इस वीक में. अपने लाइफ के डिसीजन, बोला ना, सेल्फ डिसीजन आप लेने लगोगे. अभी तक लोगों पे आप डिपेंडेंट थे या अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट थे, उन सब चीजों को पीछे छोड़ के खुद से डिसीजन लेने वाले हो. फोकस आपका अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर्स पे होंगे. ठीक है, काफी अच्छी एनर्जी निकल के आई है. अगर प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में आपके पास अपॉर्चुनिटीज ना भर भर के आ रही है. ये तीनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं. अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे पकड़ते हैं, कैसे उसका फायदा उठाते हैं, है ना. वरना अपॉर्चुनिटी आके चली भी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. तो आपको एक्टिव रहना है, माइंड से एक्टिव रहना है. अगर आप माइंड से एक्टिव नहीं रहेंगे तो लोग भी आते जाते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी आती जाती रहेंगी, आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो आप अपने थॉट्स में इतना ज्यादा मत खोइए, या किसी पर्सन का वेट करते करते इतना ज्यादा मत खो जाइए कि आपको न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ की दिखाई ना दे. ऐसा नहीं करना है. अगर न्यू बिगनिंग आ रही है तो करिए अपनी लाइफ में.
अकेले ही करनी पड़ रही है तो करिए, बट आगे तो बढ़िए। अब मैं देखना चाहूंगी कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में चल रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेके फिलहाल, किस सिचुएशन से, देखिए मैं बोली रही थी कि सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं, तो ये कार्ड आ गया फाइव ऑफ कप्स, उनकी सिचुएशन ये है, बहुत ज्यादा नेगेटिव मोड में लग रहे हैं मुझे। चलिए और कार्ड्स निकालते, थोड़ा सा क्लैरिफाई हो पाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में फिर से एस का कार्ड आ गया, एस ऑफ सॉर्ड। सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको कोल्ड शोल्डर दिया है, आपके साथ कोई नेगेटिव सिचुएशन अराइज की है, तो अब उनको उस चीज का रिग्रेट हो रहा है। क्यों हो रहा है यहाँ पे रिग्रेट पता है आपको? रिग्रेट होने की सबसे मेन वजह है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिवाइन टाइमिंग। अब वो टाइम आ चुका है जब इनको ये रियलाइजेशन, सबका ना टाइम होता है, एक टाइम पे तो इंसान बहुत खुश रहता है, उसने क्या किया अपनी लाइफ में, किसके साथ बुरा किया, किसके साथ अच्छा किया, उसको कुछ याद नहीं रहता है ना, लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग आता है ना तो एक एक चीजों का हिसाब देना पड़ता है, ये तो सबको पता होगा है ना, तो वही इनके साथ हो रहा है। वो टाइम अब आ गया इनकी लाइफ में कि इन्होंने जो आपको सिचुएशन में डाला है, तो अब उनको इस चीज का रिग्रेट है। इनके पास ऑफर्स की कमी नहीं है, देखिए यहाँ पे ऑफर्स भरे पड़े हैं, लेकिन आप देखिए फाइव ऑफ कप्स के ऊपर आया है पेज ऑफ कप्स, ऑफर देना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग के कार्ड्स आए, दो दो बार आए और एक बार नहीं, तो आप जैसे न्यू बिगनिंग चाहते हो ना, वैसे ही आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं और काफी पैशनेट तरीके से चाहते हैं। अब इनसे वेट नहीं हो रहा, ये सोच रहे कितने जल्दी आपके पास जाए और न्यू बिगनिंग की जाए या आपको ऑफर दिया जाए, ये सब डिवाइन टाइमिंग का खेल है। बीच में मिडिल ऑफ द रीडिंग कार्ड निकल के ही आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिवाइन टाइमिंग का ही खेल है कि ये इतने पैशनेट तरीके से आपके पास आना चाहते हैं। चलिए और कार्ड्स थोड़े से निकालते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं क्या? वो एक्शन तो लेना चाहते हैं भाई, देखिए तीन तीन कार्ड आए, एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन तो वो लेना चाहते हैं, बट फिलहाल वो सिचुएशन में नहीं है कि आपके पास एक्शन लेके आ पाए। आ भी सकते हैं, थोड़े और कार्ड्स निकालते हैं। देख रहे हो, आपको तो बिल्कुल उन्होंने ऐसा समझ लिया है कि आप एक उनकी डिजायर है ना, आप में वो सारी क्वालिटीज देखते हैं, आप एक बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट काइंड के पर्सन भी हैं, आप फोकस्ड पर्सन है सबसे मेन चीज, मतलब सारी क्वालिटीज ना इनको अब आप में दिखाई देने लगी, पहले नहीं दिखाई देती थी, अब दिखाई जरूर देने लगी। देखिए यहाँ आया है पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ आया है पेज ऑफ कप्स, आपके पास इस वीक में वो ऑफर लेके आ सकते हैं, कोई मेजर ऑफर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटा मोटा ही ऑफर आ सकता है, बट आपका उनसे कनेक्शन फिर से रिकनेक्ट आप हो सकते हो। एट ऑफ पेंटिकल्स, काम कर रहे हैं वो अपनी सिचुएशन पे, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है तो उनको वो डील कर रहे हैं, आपसे वापस से रिकनेक्ट कैसे होना है उस पर वो काम कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, मैं भी प्लानिंग भी बना रहा हूँ कि आपके साथ रियूनियन फिर से कैसे किया जाए, आपसे कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, अगर आपका कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत होता भी है तो वो उस पर इम्प्रूवमेंट ही चाहते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, है ना, तो उनके साइड से भी पॉजिटिव एनर्जी है। बस वही कह रही हूँ ना कि थोड़ा सा हिसाब किताब करना बाकी रह गया यूनिवर्स का इनके साथ, तो वो हिसाब किताब जब हो जाएगा ना तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। वैसे ना मैं फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, मैं ये सिर्फ इतना देखना चाहती हूँ कि ये फाइव ऑफ कप्स इस पोजीशन में क्यों गए हैं। वो मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने आपको नेगेटिव सिचुएशन में डाला, ये तो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, बट क्या रीजन है फाइव ऑफ कप्स में जाने का इनके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मैं पहले ही बोल चुकी थी, फिर भी मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी और कार्ड भी वही निकल के आ गया। मैं पहले आपसे बोल चुकी थी जब ये फाइव ऑफ कप्स निकला था कि इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दिया है, आपको नेगेटिव सिचुएशन में डाल के ये गए हैं, तभी इनको इस चीज का अब रिग्रेट हो रहा है, और वही कार्ड निकल के आ गया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, कोल्ड शोल्डर में ये आपको डाल के गए हैं, किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसा के गए हैं, अब इनको इस चीज का पछतावा हो रहा है, सोच रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन का तो वैसे अभी कोई कार्ड निकल के आया नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ वो भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ यही है कि कोल्ड शोल्डर देके गए हैं आपको, फाइव ऑफ पेंटिकल्स ने तो क्लैरिफाई कर दिया। तो आपके लिए अब देखते हैं क्या गाइडेंस इस वीक में फॉलो करना है। आपके पार्टनर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं कह रही हूँ ना, अगर लिस्ट उनकी लंबी होगी कर्मास की तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट डिवाइन टाइमिंग आ सकती है कुछ लोगों की, और बहुत जल्द आएगी जिनकी नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। ठीक है, आपको अब देखते हैं क्या गाइडेंस फॉलो करना है।
आपके लिए तो सिंपल सा गाइडेंस है, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप जिस ऑफर का, आप जिस कप का, जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं वो आपके पास जरूर आएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स इन बॉटम में आया है स्ट्रेंथ, फिर फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे लग रहा है एक चीज सिचुएशन और यहाँ पे अराइज हो गई जो अभी तक कार्ड्स ने नहीं बताई थी, बट इस फाइव ऑफ वॉन्ड्स को देख के मुझे एक सिचुएशन और नजर आ रही है आप दोनों के बीच में, कि आप दोनों को ना अगर इस सिचुएशन में, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने का कोई रीजन है तो कुछ यहाँ पे मुझे लोग लग रहे हैं जिन्होंने आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी। मे बी आपको उनके बारे में बहुत गलत बोला गया है या उनको आपके बारे में बहुत गलत बोला गया, और ये काम किसका है, कुछ थर्ड पर्सन लोग हैं, ये निगेटिव लोग हैं आप दोनों के बीच में। ये मे बी आपके ये कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट मैं बता दूं, आपको इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ के साथ आया है फोर ऑफ वॉन्स, रिकंसिलेशन का कार्ड, मैरिज का कार्ड, सारी खुशियों का कार्ड निकल के आ गया मैं बोलूं तो, है ना। तो आप बस पेशेंस रखिए, अपने इंट्यूशन पे काम करिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाइए जितना हो सके, आप यूनिवर्स से कनेक्शन बनाइए, सारी खुशियां, स्टेबिलिटी आपके पास आएंगी। आप जो चाहते हो, रिकनेक्ट होना, रिकंसिलेशन होना, सारी चीजें होंगी। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहली बात तो पेशेंस रखना, बगैर पेशेंस के तो कुछ भी नहीं होता है, है ना। इंस्टेंट कोई भी चीज नहीं होती, अगर आप चाहें कि इसी वक्त आपका काम हो जाए तो इसी वक्त तो नहीं होता, आपको थोड़ा सा सब्र रखना ही पड़ता है। दूसरी चीज, इंट्यूशन को स्ट्रांग करिए। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया, आप में स्ट्रेंथ कब आएगी, जब आप थोड़ा अपना इंट्यूशन स्ट्रांग करेंगे। इंट्यूशन कैसे स्ट्रांग करना है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए, भगवान से कनेक्शन बनाइए। ओके, बाकी स्टेबिलिटी, खुशियां, हैप्पीनेस, सारा कुछ आपके पास आएगा। ओके,